नमस्कार दोस्तों, आज 29 नवंबर 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की मंडी की क्या पोजीशन है, कहां कहां के माल है, आज की बिक्री कैसी चली। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के यहाँ। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी भाऊ जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। हाँ जी भाऊ जी, आज कितनी गाड़ियाँ आ रही जी मार्केट में, क्या कुछ? मार्केट में 10 गाड़ी है जी। 10 गाड़ी, कहाँ कहाँ के माल आ रही है? दो हिमाचल है। अच्छा जी, और बाकी MP, राजस्थान, UP, हर तरफ के माल निकल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो विदेशी भी आ रहा है इसमें? विदेशी तो नहीं है, लेकिन विदेशी माल आने की भाई वो सब इम्पोर्टेंस लगे हुए हैं कि कैसे भी गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। अच्छा जी, जो बैन हो रखा है। हाँ जी, लोग लगे हुए हैं कैसे भी एनी हो। अच्छा जी, ओके। कल तो टीवी में भी मुद्दा उठ रहा था जी ये लहसुन, अच्छा, के बारे में कि लहसुन तेज हो गया और सरकार ने जो लहसुन जो स्टॉक कर दिया, बाहर का बंद कर दिया, वो चिल्लाने लग गए जी। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, देखो जिन्होंने पैसा कमाया, हाँ जी, वो तो रुकेंगे नहीं ना, वो तो कहेंगे कि कैसे भी माल ये जो बैन है खुले। अच्छा जी, ना जी, इसमें जो दूसरे एंटी पार्टी है ना जी, वो कह रही कि लहसुन महंगा हो गया जी, भी सरकार ने बंद कर ये कर दिया, भी गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी अब। बिल्कुल, मैं तो भाई साहब इतने दिनों से बोल ही रहा हूँ। हाँ जी, और मैंने हमेशा शुरू से कहा है मैं नजायज चीज के खिलाफ हूँ। भाभी ये रेट हो गए, अच्छा, तो ये अब एक आम आदमी को दिक्कत आ रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे लगे हुए सब कई लोग पीछे लगे हुए, कैसे भी ये बैन खुल जाए। अच्छा जी, अब कल की बात है, कल आपसे मेरे से 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई। हाँ जी, कल मैं था खाटू श्याम जी मत्था टेकने गया था। अच्छा जी, तो परसों आप आए और मैं निकल गया था उसी टाइम। अच्छा जी, तो कल हमारे पास एक फोन आया, UP वाले भाई साहब हमारे मित्र है। हाँ जी, तो उनका फोन आया कि जी आप तो वो बदगला रहे हो, आप गलत वो बोल रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो लोगों को कि विदेशी माल आ सकता है। अच्छा जी, अब भाई साहब मैं इसमें क्या मिसगाइड कर रहा हूँ, क्या बदगला रहा हूँ? हाँ जी, मेरे पे जो न्यूज आई, मेरे पे जो इन्फॉर्मेशन आई, हाँ जी, वो मैं नहीं बताता तो मैं आप लोगों को धोखा दे रहा हूँ। ठीक है जी, मौके पर अगर मैंने कहा जी विदेशी आ गया, हाँ जी, तब आप निकालने लायक भी नहीं रहोगे माल को। ठीक है जी, है ना, शेर की हवा आनी बहुत होती है, शेर जब आएगा वो बाद में आएगा। ठीक है जी, उसकी हवा ही आनी बहुत है। अच्छा जी, है ना, अच्छा, तो इसमें हमारा फर्ज है बताना। अच्छा, कि लोग लगे हुए, अब आपने कहा न्यूज में, अब वो न्यूज में भी तो आई ना ये बात। हाँ जी, तो गवर्नमेंट किसी भी सूरत, सरकार इसको मंगाए बाहर से तब फंसी तो किसान दुखी जी, नहीं, जो नहीं, किसान नहीं दुखी, नहीं नहीं गलत। हाँ जी, इसमें कोई किसान दुखी नहीं है, ये भाव में भाई साहब किसान बेच चुका। अच्छा जी, और व्यापारियों को भी जिसमें पड़ा है उसमें बहुत अच्छी कमाई हो रही है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि किसी को कमाई नहीं हो रही। अच्छा जी, समझ रहे हो? हाँ जी, बात दुखी और ना दुखी होने की नहीं, बात यह है कि गवर्नमेंट को ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी ये भाव में खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। हाँ जी, आगे इनका वो वाला साल है, वोटिंग का टाइम आ रहा है। जैसे प्याज 50-55 रुपए किलो चला गया ना, हाँ। कल प्याज का मुद्दा टीवी में उठ रहा था जी, ठीक है जी, तो वो कह रहे कि सरकार ने प्याज महंगा कर दिया, गरीब आदमी कहाँ जाए। साथ में इसका सरकार ने क्या घंटा महंगा किया, बारिश पड़ गई, हाँ, प्याज की फसल पे प्याज हो गई खराब। हाँ जी, तो सरकार ने क्या कहना, लेकिन अब ये जो प्याज महंगी होगी, हाँ जी, तो सरकार उसको इम्पोर्ट कर सकती है। ठीक है जी, हमेशा मैं ये कहता हूँ, साथ में इसका भी है ना जी मुद्दा, तो लहसुन का भी है ना जी, इम्पोर्ट हो सकता है। अच्छा, उसको तो सिर्फ खोलने भाई की दे रहा है। अच्छा, 180-200 रुपए के पड़ते में कई कंट्रीज के माल आने को ले बैठे हैं। अच्छा जी, है ना, तो ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली थी, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, मैंने कहा था 150-200 अगर होता है ना, हाँ जी, 150-200 अगर होता है तो बाहर के माल आएंगे ही आएंगे। अच्छा जी, ये बात मैं बोल चुका हूँ, किसी भी मेरे पुराने इंटरव्यू में देख लेना। ठीक है जी, अब ये भले 300 हो जाए, भले 250 हो, भले 400, हाँ जी, लेकिन आप एक बात दिमाग में रख के चलना कि ये हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, गवर्नमेंट मंगवाने के लिए यूपी वाले भाई साहब वो आपसे नाराज हो रहे कि आप ये बाहर का नाम क्यों ले रहे, भी बाहर का लहसुन आ सकता है। अब बताओ इसमें मेरा फर्ज है जी, अगर भगवान ने कोई सीट दिया ना मेरे को, हाँ जी, यस 3-5 लाख आदमी देख रहा हमारे को, हमारा फर्ज बैठता है एक्चुअल रिपोर्ट बताना। ठीक है जी, ना तो मैं किसी के हाथ में खेलने वाला आदमी हूँ कि मेरे को कुछ स्टॉक वाले उठा के मेरे पे दबाव डाल के कहेंगे जी आप मेरे को, आप ये बताओ नहीं। अच्छा जी भाई, मैं नहीं बताऊंगा, 10 दिन बाद आएगा। हाँ जी, तो तुम निकल जाओगे, बाकी आम आदमी मर जाए। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं होता ना भाई साहब। अच्छा, बाहर का माल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, और अगर आ गया तो फिर दिक्कत आएगी।
ठीक है जी, तो आज के रेटों में की क्या लात है जी? रेट ठीक है जी, पोजीशन ठीक है। अब जो मोटे माल है, भोला माल हम 240 में बोल रहे हैं। भोला माल 240? अच्छा जी। जो भोला साई और नूर आता था, तो मेरे पास भोला पड़ा है वो 240 का है। अच्छा जी। और ये वाला माल दिया है जी 200 रुपए, ये 200। अच्छा जी। ये वाली चीजें हैं, हाँ जी, ये 170-180। अच्छा जी। गुजरात है 150 से लेके 200 तक है। अच्छा, ये वाले माल है 150-155। अच्छा जी। ये भी गुजरात है मोटे माल। अच्छा। तो 180-90-200। अच्छा जी। मतलब ठीक है, पोजीशन 150 से 225-250 तक की पोजीशन है देसी मालों की, 150 रुपए से लेकर 250 रुपए। और ये जो है अपना हिमाचल, हाँ जी, ये ऊपर में 280 तक बिक रहा है। ये हिमाचल है जी? है। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, 260 200 से 280 हिमाचल चल रहा है। 200 से 280 हिमाचल। और ये आगे पड़ा दिखाऊँ आपको हिमाचल, तो अब कितने रेट बढ़े जी? ये वाली चीज है हिमाचल, ये भी हिमाचल है। हाँ जी। ये वाले माल 150-180-170 जैसी क्वालिटी वैसा था। अच्छा जी। अच्छा, तो कहाँ तक रेट बढ़े जी अब इस समय जी? ठीक है रेट तो यार 150 से 250 रुपए की पोजीशन पक्की, आप समझ के चलो लहसुन की है। अच्छा जी। तो जो तीन उंगलियां दिखा रहे जी, उनका क्या होगा? तीन उंगलियों वालों का देखो, भगवान ने उनकी सुनी तो 300 क्रॉस कर जाएगा। अच्छा जी। भगवान ने उनकी नहीं सुनी, हाँ जी, और बाहर का देखो, अगर बाहर का माल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाहर का माल इंपोर्ट हो गया, हाँ जी, तो मार्केट टूटेगी 50 रुपए। अच्छा जी। कम से कम, ठीक है जी, हवा से टूट जाएगी, तो इसलिए अपने को संभल के गेम खेलो। अच्छा, मेरे कोई दुश्मन नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं। अच्छा, अपना तो अपने धर्म पे चलते हैं, जो भगवान ने हमारे को सीट दी उसके साथ जायज वो करो। ठीक है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है इस टाइम इंपोर्टरों को, इनको स्टॉकिस्ट को दिक्कत हो रही है। अच्छा जी। कि भाई तू ये क्यों बोल रहा है बाहर का माल आएगा? अच्छा जी। मैं बोलू ना बोलू, इसके कहीं ना गवर्नमेंट ने, अच्छा जी, ये तो गवर्नमेंट देखेगी ना मेरे बोलने ना बोलने से क्या होता। ठीक है जी। अगर गवर्नमेंट ले आई, हाँ जी, तो उसमें मैं नहीं भी बोलू तो आ गया, फिर क्या करोगे? क्योंकि आपको मेरा थैंक्स कहना चाहिए सब स्टॉकिस्ट को, कि जो न्यूज मैं दे रहा हूँ वो न्यूज आपके पास जब पहुंचेगी तब बात हाथ से बाहर निकल जाएगी। अच्छा जी। इसको सीरियस लेके अपने माल निकालो, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही कि प्याज भी तेज कर दिया इन्होंने, लहसुन भी तेज कर दिया, हाँ, वो चीख रहे, हाँ, तो सरकार की मजबूरी, हाँ, है। और साथ में जो खाने वाले हैं, क्योंकि 80 रुपए प्याज 70-80 रुपए मार्केट में बिक रहा है, 70-80 रुपए जैसे दिल्ली जैसे शहर में, और ये लहसुन भी जो है समझो 400 रुपए और 450 रुपए के आसपास रिटेल में बिक रहा है जी। तो जो खाने वाले हैं जी वो चीखे मारने लग गए। क्यों नहीं मारेंगे? नजायज तो नजायज है भाई सर। अच्छा जी। हालांकि हमारे को तो फायदा ही है, इसकी कमीशन जो जितना बिकेगा हमारे को कमीशन से मतलब है, उसकी कमीशन ज्यादा मिलेगी, लेकिन नजायज की नजायज है। पांच कट्टे ना बेचे, एक कट्टा बेच लिया। हाँ, लेकिन भाई साहब अपने को खुशी नहीं है ना। हाँ जी। नजायज में किसी भी चीज में खुश नहीं है। कुछ लोग नाराज हो रहे होंगे इस बात से, तो हो जाओ, मेरे को क्या होता है, मेरे को रोटी दे दो। ठीक है जी। रोटी तो मेरे को मिलनी है मेरे धर्म से, मेरे कदम से। ठीक है जी। है ना, मेरे को किसी के नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो जो पोजीशन है, जो न्यूज है, मेरा बताना फर्ज है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है जी। है ना जी। अब हो सकता है आने वाले टाइम में 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद मैं बता दूँ खुल गया। हाँ जी। तब क्या करोगे? ठीक है जी। मेरे को दबा दोगे, मेरे को चुप कर दोगे, लेकिन जब खुल गया हो तो सब बोलेंगे खुल गया, तब आपके हाथ से बात निकल जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि सिर्फ इतनी सी न्यूज, कंफर्म न्यूज कि खुल गया, तो इंपोर्ट हो रहा है 50 रुपए किलो का डाउन समझना। ठीक है जी। सिर्फ इतनी न्यूज कि मार्केट खुल गई, इंपोर्ट खुल गया, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इंपोर्ट, तो आप मार्केट में 50 रुपए किलो का उसी दिन खुलते ही आएगा माल 15 दिन बाद 20 दिन बाद, लेकिन सिर्फ इतनी आवाज से 50 रुपए किलो उड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये बताना फिर 50 रुपए किलो वो नजायज बने हुए थे ना, एक गलत हवा बना के उसको आप मार्केट को स्टैंड करके चल गए। ठीक है जी। जी, तो अभी जो बिक्री कितनी चल रही जी? बिक्री कल तो जी बारिश थी तो कम थी, आज बिक्री है। अच्छा, आ जाए तकरीबन 4,000 कट्टा बिकेगा आज। अच्छा जी, जी। और जो लेने वाले हैं जी, ये कितना ले रहे जी? ये लेने वाले बेचारे देखो ना, ये कभी का आपके साथ सौदा बन रहा जिसका, ये 2 घंटे हो गए भाई साहब, इनको नहीं मिल रहे ना पैसे। अच्छा, किस भाव में भी मेहनत कर इनके, इन लोगों को कमाई नहीं होती, नहीं बिक रहे। 2 रुपए पे हो रहा है ये सौदा, 1 रुपए किलो में सौदा अटका हुआ है। कितने कट्टे मांग रहा है? 20 कट्टे। और नीचे क्या भाव बिक रहा है? पैसे बनते हैं इस भाव में है?
और ये ऐसे नहीं बेचते भाई साहब, इन्होंने एक कट्टा लेना है, तोड़ना है, इसका जवा बनाना है, फिर बेचना है। अच्छा। एक कट्टा जवा बनाने में कितनी देर लगती है बेटा? दो से ढाई घंटे कट्टा लगे देंगे तो एक कट्टा जवा। अच्छा जी, उसमें पैसे कितने मिलते हैं बेटा? अगर ये एक रुपए की मैं मान गया तो 200 रुपए कट्टे पे मिलेंगे। अच्छा जी, तो ये कमाई है जी एक आम आदमी की। तो स्टॉकिस्ट को भी ये देखना चाहिए। हाँ जी, कि ये लोग कहाँ जाएंगे। अभी मैं खड़ा था ना जी, चलो मैं तो रेट बता दूं, मैं तो निष्पक्ष हूँ। ये 150 रुपए मांग रहे, आप कह रहे कि मैं 152 रुपए अभी पूछूंगा, क्योंकि मेरे को व्यापारी ने डंडा दे देखा, 60 रुपए से कम नहीं बेचना। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, गुजरात का माल है। अच्छा जी, अच्छा, अब कहाँ तक आदमी कह देगा। अब यहाँ पे यहाँ आके हमारे साथ दिक्कत क्या आती है, स्टॉकिस्ट के लिए 50 रुपए उड़ जाए उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मदे के माल है। ठीक है जी, मदे का कौन, जितने भी सेलिंग मंडी के आड़ती हैं वो माले जाएंगे, क्योंकि इसने अगर मेरे से माल लिया 152 का लिया 150 का, ठीक है, सिर्फ हवाबाजी से 50 रुपए किलो अगले दिन टूट गया। हाँ जी, तो भाई साहब ये रकम कहाँ से देगा? ये तो कहेगा सेठ जी में मर गया, वो थोड़ी ना मदे सेठ जी। अच्छा जी, ठुकी तो सेठ जी की। तो भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक उस पर चल रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, स्टॉकिस्ट को तो पैसा मिल रहा है। हाँ जी, लेकिन सब जितना भी, अकेला मैं नहीं कह रहा, सारे सेलिंग सेंटर्स के आड़तियों की सिचुएशन है ये। अच्छा जी, कि किसी भी टाइम मार्केट अप डाउन होती है तो मरेगा आड़ती। अच्छा जी जी, चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है।